मेरे गुरु नानक पातशाह, जब सालस राय जौहरी से विदा लेने लगे ना, तो सालस राय जौहरी रो पड़ा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, चरणों में गिर पड़ा, पातशाह मुझे छोड़ कर मत जाओ, मुझे छोड़ कर मत जाओ। मेरे गुरु नानक पातशाह कहने लगे कि हम उसके हुक्म से आते हैं, उसके हुक्म से जाते हैं। हुक्म है जाना, अपने आप को गुरु नानक पातशाह हुक्मी बंदा कहते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब सालस राय जौहरी ने बड़ा बैराग किया कि मेरे घर में कुछ दिन रहो, बड़ा बैराग किया मेरे घर में कुछ दिन रहो, गुरु नानक पातशाह कहने के तेरे घर में कुछ दिन नहीं, बहुत साल बिताएंगे, जब हम दसवें जामे में आएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दसवां जामा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, आपको पता है पटना साहिब में जहाँ पर आज गुरुद्वारा है, पटना साहिब में सचखंड, वो सालस राय जौहरी का घर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, जहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कई साल बिताए, वचन दिया निभाया, चाहे दसवें जामे में निभाया, कि गुरु नानक देर कर सकता है, आता जरूर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उम्मीद जागती है, उम्मीद जागती है कि आएगा जरूर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अगर हमारे अवगुण देखेगा तो जितने शरीर में रोम है उससे ज्यादा तो हमारे पाप हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लिखारी लिखता भी है ना, जे अवगुण वेखे साहिबा तक कोई नहीं मेरी थाओ, जेते रोम शरीर दे उस तो भी वध गुनाओ। मेरे पाप तो उससे भी ज्यादा है जितने मेरे शरीर में रोम है, पर तरस कर तेरे गुर प्रसाद के आगे कुछ भी नहीं है। मेरे गुनाह बहुत बड़े हैं पर तेरी बख्शिश के आगे कुछ भी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।